मूवी की शुरुआत मार्गो से होती है जो किसी की काइंड ऑफ वर्शिपिंग करते नजर आती है, जो हमें बताती है कि किसी ने उसे कभी कहा था कि जब इंसान अपनी जिंदगी में कोई पाप करता है तो उसे उसका फल आने वाले 7 जन्मों तक भुगतना पड़ता है। फिर वो हमें एक अनजान कैरेक्टर के बारे में बताती है जिसे वो कुकुम कहकर बुलाती है। अगले सीन में हम छोटी मार्गो को उसके घर की तरफ भागते हुए देखते है जहाँ वो कुकुम को बुरी तरह से जख्मी हालत में पाती है जो उसके सामने ही अपना दम तोड़ देती है। फिर मूवी कुछ साल बाद शिफ्ट हो जाती है जहां अब मार्गो बड़ी हो चुकी है और अब वो एक सफल साइंटिस्ट भी है। वो अपने कोवर्कर एलिस के साथ किसी प्रोजेक्ट रेड आई पर काम कर रही होती है। वो अपने इन्वेंशन को टेस्ट करके दिखाती है लेकिन कुछ तकनीकी मेलफंक्शन के कारण से वो फेल हो जाता है। इसके बाद इंट्रोड्यूस होते हैं रेड आई के को फाउंडर कॉन्रैड स्टेलमैन से जो कि एक कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन मेमोरीज के बारे में स्पीच दे रहे होते हैं। वो बताते कि रेड आई की मदद से इंसान ना सिर्फ उसकी पुराने मेमोरीज को देख सकता है बट वो उन्हें पूरी तरह से जी भी सकता है मानो वो उनकी आंखों के सामने घट रही हो। लेकिन उसकी बातें सुनने पर एलिस कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगती है और वहां से लैब में वापस आके वो मार्गो को तुरंत अपना पासवर्ड देती है जो मार्गो पहले तो लेने से मना कर देती है मगर बाद में वो अपने पास रख लेती है। इन्हीं सीन्स के बैकग्राउंड में हमें एक अनजान शख्स को दिखाया जाता है जो टॉवर के अंडरग्राउंड एरिया में कुछ फिट करके चली जाती है जिस कैरेक्टर के बारे में हमें आगे रिवील होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्गो अपने रूम में सो रही होती है लेकिन उसका रूम का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एलिस को भी अपने लैब में किसी के होने का एहसास होता है। वहीं इधर कोई अननोन क्रीचर एलिस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है और उधर मार्गो को अपने बचपन का सपना आता है जहां वो उस दिन को देखती है जब कुकुन की डेथ हुई थी। उस दिन वो घर के आउटडोर के बेसमेंट में कुछ रखने के लिए जाती है मगर वहां उसे कोई लॉक कर देता है। काफी कोशिशों के बाद वो वहां से निकलकर सीधे अपने घर की तरफ भागती है जहां उसे कुकुम जख्मी हालत में मिली थी। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था लेकिन यहाँ हमें थोड़ा और पता चलता है कि मरने से पहले कुकुम ने उसे बिना डरे कुछ फेंकने को कहा था। और यहाँ हम फ्लोर पर एक चाकू और एक अजीब सा मांस जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं जिनमें खून लगा हुआ होता है। अगली सुबह मार्गो को एलिस की डेथ का पता चलता है। उधर हम लैब में डिटेक्टिव थॉमस से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने आए थे। यहाँ वो सब कुछ नोटिस करने के बाद मार्गो से मिलते हैं। उससे पूछताछ के बाद उन्हें एंड एज एन ऑडियंस हमें रेड आई के बारे में और जानकारी मिलती है। मार्गो बताती है कि ये हमारे ब्लड सैंपल्स के जेनेटिक डेटा को पढ़ के मेमोरीज को सेव करता है। थॉमस के काफी पूछताछ करने के बाद उसे एलिस के बिहेवियर में कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। यहाँ थॉमस मार्गो से उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेता है इन केस उसे कुछ पूछताछ करना हो। अगले सीन में कॉन्रैड थॉमस को पूरा सिक्योरिटी एक्सेस देता है जो उसके इन्वेस्टिगेशन में मदद साबित हो। सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने पर थॉमस ये देख के काफी शॉक्ड हो जाता है कि डेथ के टाइम पर एलिस के लैब में कोई गया ही नहीं था। वो मार्गो से बात करता है और दोनों सीधा एलिस के घर चले जाते हैं छानबीन करने के लिए जहां हमें पता चलता है कि एलिस ड्रग्स लिया करती थी। पहले तो इसके अलावा उन्हें कुछ खास नहीं मिलता लेकिन फिर मार्गो को एलिस का पासवर्ड याद आता है जो कि द लुकिंग ग्लास था और लुकिंग ग्लास को चेक करने पर उन्हें जेड डायरियन का नाम मिलता है। ये वही कैरेक्टर है जिसे हमने स्टार्टिंग में टॉवर के अंडरग्राउंड में देखा था। वो दोनों फिर निकल पड़ते हैं जेड के वेयरहाउस की तरफ। रास्ते में थॉमस अपने घर पर रुकता है जहां मार्गो को अजीब विजन्स आते हैं कि थॉमस पर कोई हमला कर रहा है और हैरानी की बात ये कि घर के अंदर जाते ही थॉमस पर वही आदमी सच में हमला कर देता है लेकिन थॉमस किसी तरह से बच निकल आता है। फिर हम देखते हैं जेड को जो कि अपने एक वर्चुअल वर्जन से कुछ बात कर रही होती है। हम उसके पास एक सेम हेलमेट देखते हैं जैसा कि हमने एलिस के लैब में देखा था। वो उस हेलमेट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली थी कि तभी उसकी सिक्योरिटी सिस्टम उसे किसी के घुसपैठ का अलर्ट करती है। देखने पर उसे पता चलता है कि ये थॉमस और मार्गो है। वो उन दोनों को ऊपर आने का ऑर्डर देती है और वहां आते ही वो मार्गो को उस हेलमेट का कोड ब्रेक करने को कहती है। एलिस के दिए हुए पासवर्ड से जब वो उसे ऑन करने की कोशिश करती है तब वो ऑन नहीं होता लेकिन समहाउ वो पासवर्ड फिगर आउट करके एलिस की मेमोरी में एंटर कर जाती है। ये मेमोरी उसकी डेथ की नाइट की थी। यहाँ एलिस को हम किसी अनजान सुपर नेचुरल लाइक एंटिटी से बात करते हुए देखते हैं। वो एंटिटी उसे मदर कहकर मेंशन कर रही थी क्योंकि उसी ने उसे बनाया था। यहाँ हमें ये समझ आता है कि क्यों एलिस उस दिन कॉन्रैड की बातें सुनकर वियर्ड बिहेव कर रही थी। और अब हमें इस एंटिटी की एक झलक मिलती है जो कि फुल ब्लैक कॉस्ट्यूम में था लेकिन उसका फेस कुछ ब्लरी सा होता है। विजिबल होते ही वो एलिस पे हमला करके उसे जान से मार देती है और इस सीन को हम पहले भी देख चुके हैं पर तब हमें वो एंटिटी दिखाई नहीं दी थी। मार्गो इसे देखते ही अपना हेलमेट उतार देती है और तभी उसे अपने पुराने
पुराने घर का कुकुम की कुछ विजन आते हैं, जिसके बाद वो उस रूम से बाहर चली जाती है। उसके पीछे जेड बाहर आती है और वो उससे एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि शायद एलिस के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने किसी चीज को जगा दिया और जो खुद ही उसके मौत का कारण बना। अब थॉमस अकेले टॉवर पे जाने के लिए निकल पड़ता है। अब हम इंट्रोड्यूस होते हैं टॉवर के सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एलेक्स एलवेरा से, जिसे URM नाम की एक वॉइस थॉमस को रोकने का ऑर्डर देता है। यहाँ हम ये क्लियरली समझ पाते हैं कि ये उसी एंटिटी की वॉइस है जिसने एलिस को मारा था, जिससे अब हमें पता चलता है कि इसका नाम URM है। अब यहाँ थॉमस हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एलेक्सा से होती है, जिससे पूछताछ करने पर वो थॉमस को रेड आई ट्राई करने का आइडिया देती है, जिसे पहनते ही उसे अपने पास का एक विजन नजर आता है, जहाँ एक क्रिमिनल को मारते हुए उसने अनजाने में एक इनोसेंट लड़के की जान ले ली। ये लड़का उसी आदमी का बेटा था जिसने थॉमस पर हमला करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ जेड उस हेलमेट को पहन के एक विजन देखती है, जिसमें वो खुद को जख्मी हालत में एक कमरे में बंद पाती है। काफी स्ट्रगल करके वो उस रूम के बाहर का एक बटन प्रेस कर देती है, जिससे वो उस विजन से बाहर निकल आती है। इधर थॉमस भी अपने मेमोरी से बाहर आ जाता है और हेडक्वार्टर से बाहर चला जाता है। अब एलेक्सा दोबारा URM के पास जाती है, जहाँ वो उसे उस लड़के के पिता को ढूंढ कर उसे रेड आई देने का ऑर्डर देता है। यहाँ एलेक्सा किसी डील के बारे में मेंशन करती है, हालांकि वो किस शक्ति को पाने के लिए ये सब कर रही है ये मूवी में कभी मेंशन नहीं किया है। अगले सीन में हम मार्गो और थॉमस आपस में इस केस को डिस्कस करते नजर आते हैं, जहां मार्गो उसे रेड आई लेंसेस लगाने देती है ताकि उन्हें URM को पकड़ना आसानी हो। थॉमस उस लेंस को लेकर वहां से चला जाता है और मार्गो भी उसे लगा लेती है, जिसे लगाने के बाद उसे वही एंटिटी दिखाई देती है जिसने लैब में एलिस को मारा था। वो उसके पीछे भागते हुए थॉमस तक पहुंच जाती है, जहां उन दोनों को थॉमस के कार में उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसने थॉमस पर अटैक किया था। अब हम कॉनराड को देखते हैं जो URM से बात कर रहा होता है। URM कॉनराड से कहता है कि उसकी मदर उसे रिलीज नहीं कर पाई, तो उसकी एब्सेंस में कॉनराड को उसे आजाद करना होगा। मदर से उसका मतलब दरअसल एलिस होती है। यहाँ हम व्यूअर्स एक पॉइंट नोटिस करते हैं कि जब भी हम URM की आवाज सुनते हैं तो हमें रूम में दिखाया जाता है जहाँ एक ब्लैक लिक्विड स्टोर्ड है और काफी सारे मशीन चल रहे होते हैं। अब कॉनराड कॉल करके मार्गो को लैब बुलाता है, जहाँ वो उसे इस प्रोजेक्ट को बंद करने को कहता है, जिस पर जब वो मना कर देती है तो वो उसे एलिस की डेथ का फुटेज दिखाता है, जहाँ हम देखते हैं कि किसी अजीब कारण से वो एंटिटी उस वीडियो में नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि एलिस ने खुद ही आत्महत्या कर ली, जिसे देखने के बाद वो इसे बंद करने का तय करती है। अगले सीन में हम मार्गो और थॉमस को मार्गो के पुराने घर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में मार्गो को दोबारा कुकुम की डेथ के विजन्स नजर आते हैं। वहाँ पहुंचकर मार्गो थॉमस को कुकुम के बारे में बताती है कि वो उसकी अपनी ग्रैंड मदर नहीं थी। बचपन में मार्गो को उसकी पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था। आज वो जो भी है सब कुकुन के कारण है, और थॉमस भी अपने पास के बारे में उससे ओपन होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्गो को दोबारा कुकुम की विजन्स नजर आते हैं, जो उसे कुछ फेंकने को कहती है तो वो एक बॉल को बाहर की तरफ फेंकती है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि जब भी हम मार्गो को पुराने घर में देखते हैं, उसके बाहर हमें पत्थरों से बना हुआ एक अजीब सा सर्कल दिखाया जाता है। मार्गो का फेंका हुआ बॉल उस सर्कल के सेंटर के पत्थर के सामने जाकर गिरता है। वहां जाकर जमीन को खोदने पर उन्हें एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर उसे कुछ लेटर्स और कुछ फोटोज मिलते हैं, जिनमें से एक लड़की की फोटो देखकर उसे फिर से कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, जिसमें वो उसी लड़की को कुकून से बात करते हुए देखती है। उन दोनों की बातचीत से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि वो कुछ ऐसा बना रहा था जिसे कुकुम रोकना चाहती थी। अब वहां हम उस ब्लैक लिक्विड को भी देखते हैं, जिससे हमें उस अननोन क्रीचर के ओरिजिन का पता चलता है, और अब हम ये भी समझ पाते हैं कि कुकुम को भी इसी लड़के ने मारा था। विजन से बाहर आते ही मार्गो उस फोटो को पलट के देखती है, जिसमें शॉकिंगली हमें कॉनराड का नाम दिखाई देता है, यानी कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड वही है। इसके बाद वो अपने टाउन वापस आ जाते हैं और यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम कॉनराड को देखते हैं, जिसकी खुद की इन्वेंशन उस पर भारी पड़ रही थी। वो उसकी इमेजिनेशन से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका होता है। अब हम मार्गो को वही फर्स्ट सीन वाला रिचुअल करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो अपने कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को हवा में लेविएट करने लगती है। यहाँ अब हम मार्गो के काइंड ऑफ साइकिक पावर को देख पाते हैं। इसके बाद हम थॉमस और मार्गो दोनों रेड आई को पहनते हैं और अपने डेस्टिनेशन को निकल जाते हैं। मार्गो सीधा लैब जाती है, जहाँ वो अपने साइकिक पावर का यूज करके चीजों को बर्बाद करने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो कॉनराड के हाथों पकड़ी जाती है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस जेड के पास जाता है URM को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मार्गो को होश आता है उसके पुराने घर के बेसमेंट में, जहाँ कॉनराड उसके सामने आके सब कन्फेस
करता है और फिर उसे वही बंद करके वहाँ मिट्टी भरने लगता है। दूसरी तरफ थॉमस जेड की मदद से टॉवर के अंडरग्राउंड में एंटर कर जाता है जहाँ यूआरएम उसके हाथों मारे गए उस लड़के का रूप लेकर उसे सुसाइड करने पर मजबूर करता है। पर भाग्य से वो वक्त रहते इस हेलुसिनेशन से बाहर आ जाता है और सक्सेसफुली उस रूम तक पहुंच जाता है जहाँ यूआरएम को रखा गया था और वहाँ रखे 3 में से 2 प्लग को वो इजिली डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इससे पहले कि वो लास्ट प्लग को डिस्ट्रॉय कर सके यूआरएम अपने असली रूप में उस ब्लैक लिक्विड से बाहर निकल आता है। यहाँ हम पहली बार यूआरएम को उसकी असली रूप में देखते हैं जो कि किसी एलियन लाइक क्रीचर की तरह नजर आता है। अब हम मार्गो को टॉवर के ही एक रूम में देख पाते हैं जहाँ कॉनरेड उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। यानी कि बेसमेंट वाली सीन मार्गो की इमेजिनेशन थी। मार्गो अपने साइकिक पावर से कॉनरेड के सिर पर एक ईंट से वार करती है और फिर वो रेंगते हुए अचानक से खिड़की से गिर जाती है पर भाग्य से वो सेफली लैंड करती है। इधर यूआरएम थॉमस को मारने ही वाला था और उससे पहले ही थॉमस जेड की मदद से उसकी बॉडी से कनेक्टेड वायर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और दूसरी तरफ मार्गो अपने साइकिक पावर से कॉनरेड की गर्दन तोड़ के उसकी जान ले लेती है। उसके बाद वो दोनों मार्गो के पुराने घर में जाते हैं जहाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है और यही मूवी एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।